आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नए टॉपिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम शुरू से ही जानते हैं और डेली लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं चाहे विजिबल लाइट हो इन्फ्रा रेड रेज हो वाईफाई हो ब्लूटूथ हो ये सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक हैं जैसे कि हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं इस कॉन्सेप्ट में कि एक चार्ज जो रेस्पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अगर वही चार्ज मूव कर रहा है करेंट कैरिंग वायर के अंदर है तो मैग्नेटिक फील प्रोड्यूस करता है और हम यह भी स्टडी कर चुके हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो यह कॉन्सेप्ट हम काफी कंफर्टेबल है इसमें तो अब हम एक बात और कर चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं इनिशियली हमारा कॉन्सेप्ट था कि दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इंटाइटीज लेकिन अब हमें पता है कि बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटरकन्वर्टेबल लेकिन यहां पे जितना हमने डिस्कशन किया है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड बट इज द कन्वर्स आल्सो ट्रू और बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए क्योंकि यही तो फ्रेम का मतलब क्योंकि ये फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट फील्ड है तो अगर एक की वजह से दूसरा पैदा हो रहा है तो दूसरे की वजह से पहला वाला भी पैदा होना चाहिए और यही बात थी जो पजल की जिसको लेके काफी पजल रहे मेरे हिसाब से जीनियस ऑफ द सेंचुरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और मैक्सवेल को के दिमाग में भी यही बात आई कि क्यों ना उल्टा भी हो तभी जाके ये सिमेट्री के सिमेट्री कंप्लीट होगी और लॉज रिफाइन होके प्रॉपर आएंगे और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन सिमेट्री देर मस्ट बी सम करेक्शन इन एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ बिफोर गोइंग फर्दर हम यह बात करते हैं हमें कौन कौन से लॉज पता है पहला E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाय एफ्सलॉ नाम क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म सॉरी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेहतर है मैं लिखूं सेकेंड हमारा था बी डॉट डी एस इजिकल टू जीरो ये था गॉसलॉ इन मैग्नेटिज्म तीसरा हमारा था ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इज़ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी और ये हमारा था फेराडाइज uh, लॉ और चौथा हमारा था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इन ठीक तो ये चार तरह के लॉ थे दो सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं दो लाइन इंटीग्रल के बारे में सिमिट्री दिख रही है कि बी डॉट डीएस है तो ई डॉट डीएस आया ई डॉट डीएल है तो बी डॉट डीएल आया लेकिन सिमिट्री में कुछ चीज मिसिंग है कि यहां मैग्नेटिक फ्लक्स आया लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं नहीं दिख रहा है मतलब राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां है ठीक है लेकिन यहां मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री के हिसाब से होना चाहिए था ठीक है और यही मैक्सवेल के दिमाग में बात आई कि कहीं सिमेट्री कहीं तो मिसिंग है और वो सिमेट्री तभी हो सकती है जब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइप का या कोई मैग्नेटिक फील्ड के लिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की तरह काम करे तो कहीं करेक्शन लेना था तो उन्होंने कहा देयर इज करेक्शन नीडेड हियर अब ये करेक्शन क्या था और कैसे पता चला कि करेक्शन है वो हम डिस्कशन करते हैं ठीक है थीके? तो ये जो चार लॉज हैं चौथा एक करेक्शन के साथ हम बात करेंगे ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये चार इक्वेशन है ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है ठीक है तीन एज इट इज चौथे में थोड़ा करेक्शन होगा तो इसके पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा लॉ गलत कहां हो रहा है तो देखिए इसके लिए एक कैपेसिटर लिया हमने यह स्विच क्लोज किया अब क्या होगा यहां पे स्विच क्लोज करोगे इस पर चार जाएंगे Q और माइनस Q। ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं सो दैट चार्ज सडन ना आए तो स्विच क्लोज करोगे चार जाना चालू होगा करेंट आएगा कुछ देर के लिए ट्रांजिएंट करेंट यहां आएगा यहां आएगा और ट्रांजिएंट करेंट आएगा तो अगर बार मैग्नेट या कंपास हमने रखा होता तो कंपास यहां भी डिफ्लेक्ट होगा यहां भी डिफ्लेक्ट होगा कंपास यहां रखने पर भी डिफ्लेक्ट होता है कि अगर कैपेसिटर के बीच में भी कंपास रख दिया जाए तो भी डिफ्लेक्ट होता है यहां आप हार्डली सरप्राइज होंगे कंपास की डिफ्लेक्ट होने की वजह से लगेगा यहां करेंट है यही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है यहां ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है यहां मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के लिए आप कह सकते हैं हो सकता है इसी करंट की वजह से हो या इस करंट की वजह से हो लेकिन जब हम इसमें एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो गड़बड़ी समझ में आएगी पहले मैं एम्पियर्स लॉ डिफाइन कर दूं कि एम्पियर्स लॉ हमारा क्या था बी डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड करेंट क्रॉसिंग द सर्फेस दिस इज लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग बाउंड्री इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम इस लॉ को पूरी तरह से समझते नहीं और हम मान लेते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट लूप जबकि एम्पीएस लॉ लूप के लिए नहीं है इट इज ट्रू फॉर एनी सरफेस एंड सरफेस नीड नॉट बी फ्लैट सरफेस कवड भी हो सकती है मतलब ऐसी कोई सरफेस हो ये ओपन ये सरफेस है इसमें करंट ये क्रॉस कर रहा हो तो ये करंट की तरह काम करेगा ये हमारा लाइन डीएल तो ये हमारा बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल अलोंग बाउंड्री है और ये हमारी सरफेस है जिस सरफेस से करंट क्रॉस करता है एक्चुअली एमपीएस लॉ ये इसीलिए लैंग्वेज हम लिखते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी बाउंड्री या अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करेंट क्रॉसिंग थ्रू द सर्फेस ठीक है तो अब यही हम लगाएं अगर इसमें हाँ तो एम्पियर्स लॉ यहां लगाते हैं लेकिन इस बार में जो सरफेस चूज कर रहा हूं वो सरफेस कुछ इस तरह ले लेता हूं ये समझिएगा ये हमारा सरफेस है ये ओपन ये ओपन पार्ट है ठीक है यहां से करेंट क्रॉस कर रहा है तो अब जरा देखें तो हमारा फॉर्मूला था बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल क्या है है लाइन इंटीग्रल ऑफ लेंथ अब चूंकि तो मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था तो ये चीज नॉन जीरो क्रॉसिंग द बाउंड्री इस बाउंड्री को क्या कोई करेंट क्रॉस कर रहा है ये तो हवा में पैदा हुआ था करेंट यहां तो क्रॉस नहीं कर रहा है तो चूंकि इस बाउंड्री को कोई करेंट क्रॉस करने वाला नहीं है करेंट यहां तक आया था फिर यहां से नया पैदा हो गया बीच में कोई करेंट नहीं है तो ये राइट हैंड साइड हमारी जीरो है क्योंकि कोई चार्ज इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहां पे कंट्राडिक्शन था कंट्राडिक्शन था क्योंकि एक तरफ नॉन जीरो, है, एक तरफ जीरो है। इसका मतलब कहीं करेक्शन नीडेड है तो यहां करेंट भले नहीं क्रॉस कर रहा है इस सरफेस को कुछ तो क्रॉस कर रहा है और वो कुछ तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रॉस कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है मतलब फ्लक्स है तो ये करेक्शन तभी हो सकता है जब यहां पे एक कोई टर्म और हो और जो कुछ फ्लक्स का फंक्शन हो सो so दैट हम ये कह पाए कि बी डॉट डी एल अगर नॉन जीरो आया है तो या तो इस तरफ करेंट है या कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ठीक है अब हम देखते हैं कि वो क्या हो सकता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर पे क्यू बाय एप्सलॉन नॉट ए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है फाइव ई इजिकल टू क्यू बाय एप्सलॉन नॉट ए इन बाय एप्सलॉन तो यहां से डिफ्रेंशिएट करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सलॉन डी क्यू बाय डी टी और एप्सलॉन अगर इधर ले आऊं तो एप्सलॉन डी फाइव बाई डी टी इजिकल टू डी क्यू बाय डी टी अब डी क्यू बाय डी टी दिस टर्म इज कॉल्ड कंडक्शन करेंट कंडक्शन करेंट मींस करेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस टर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करेंट इसे नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करेंट एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हुआ डायमेंशन इसकी भी करंट है तो इसकी भी करंट है दो चीजें बराबर है और कंडक्शन करंट यहां जो कंडक्शन था यहां जो कंडक्शन था इस हिस्से में वही करंट डिस्प्लेसमेंट करें तो एक तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट को भी काउंट कर लोगे तो क्रिच ऑफ करेंट की कंटिन्यूटी वाला इक्वेशन भी सही हो जाएगी कि करेंट जितना अंदर आया उतना बाहर गया उतना अगर आप डिस्प्लेसमेंट करेंट को भी काउंट कर लेते हैं तो ठीक है तो यह डिफाइन किया कि अगर हम इसको एक नया करंट और लिख लें तो हमारा यह लॉ में जो गड़बड़ था वो अब सही हो जाएगा कि आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट म्यूजीरो आईसी प्लस एप्सलॉन डी फाइव ई बाय डी टी मींस कंक्लूजन क्या है देर आर टू पॉसिबल सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से हो सकता था या तो चार्ज हो या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो सॉरी और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है या तो करंट हो या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉसिबिलिटी थी तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी आ गई और अब सिमेट्री काफी हद तक कंप्लीट हो गई ठीक तो अब सभी चीजें क्लियर हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा हाँ और इसमें हाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इसके परपेंडिकुलर इस तरह ठीक है।, है तभी बी डॉट डीएल आएगा तो अब हम जैसे ही बात करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा जैसे ये हमारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड था और डी बी बाई डी टी कुछ पॉजिटिव मान लेते हैं बिल्कुल सिमिट्री यहां है कि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी बाई डीटी कुछ पॉजिटिव तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और कैसा वो बनाते हैं हम तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील पैदा होता है हम जानते हैं और किस डायरेक्शन में पैदा होता है हम ये भी जानते हैं ठीक है क्रॉस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डॉट सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी और किसी आर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमने क्या किया था ई डॉट डी एल का क्लोज इजिकल टू डी फाइ बी बाय डी टी ई इंटू टू पाई आर इजिकल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हाफ आर db बाय डी टी स्पेशल केस के लिए बात कर रहा हूं जब सर्कुलर था और हां ये ई बी के पैरल नहीं है ई बी के परपेंडिकुलर है देखिए बी अंदर है तो ये ई परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है इन प्लेन ऑफ ये इन प्लेन है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर आएगा बेहतर है मैं डायरेक्शन इसकी ऐसे लिखूं आर क्रॉस डीबी वाई डी टी थी। ठीक है डीबी बाई डी टी अंदर है आर बाहर है आर क्रॉस डी बी बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां करते तो हमें फॉर्मूला अब लगाना पड़ता तो किसी भी आर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो किसी भी आर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह होंगी तो अगर ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड बी डॉ डीएल ये अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एमपीएस लॉ बी डॉट डीएल इज इकल टू म्यू जीरो आई कंडक्शन आई डिस्प्लेसमेंट ये बी इंटू टू पाई यार म्यू जीरो आई कंडक्शन जीरो है आई डिस्प्लेसमेंट एप्सलॉन डी फाइव बाई डी टी या म्यू जीरो एप्सलॉन डी फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डीई बाय डी टी बी इंटू टू पाई आर कुछ कट रहा है पाई से पाई आर से आर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सलॉन वन बाय टू आर डी ई बाय डी टी और एक और खास बात कि ये बी भी, भी परपेंडिकुलर है तो ये आर क्रॉस डी डीई इस तरीके से डायरेक्शन आएगी ठीक है हालांकि ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है इस बार तो वैसे भी हट चुका है ये वाला पार्ट लेकिन आपको इंफॉर्मेशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको कंप्लीट चार जो लॉ डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि चार इक्वेशंस कौन सी हैं तो चौथी इक्वेशन ये है और ये सिमिट्री है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदल रहा है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब इस पूरे डिस्कशन से एक आइडिया ये लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है टाइम के साथ अगर बदल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है मतलब बोथ कैन बी द सोर्स ऑफ इच अदर एंड इट कैन लीड टू सेल्फ सस्टेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे मीन्स अगर मैं किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ बदल दूं

इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मेरा चार्ज ऊपर नीचे ऑक्सीलेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते बदलते पहुंचा तो इसका बदल रहा है तो वही डिस्टर्बेंस तो यहां आएंगे वही डिस्टर्बेंस एल टाइम बाद यहां पहुंचेंगे तो जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन था वही यहां है कुछ देर बाद यहां कुछ देर बाद यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम का फंक्शन है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन है और वही मैग्नेटिक फील इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा और ये एक दूसरे को पैदा करते जाएंगे करते जाएंगे और ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी दिस इज हाउ वेव्स कैन बी जनरेटेड एंड दे प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस विदाउट नीडिंग एनी मीडियम क्योंकि वो एक दूसरे का खुद ही सोर्स है लॉ ही ऐसा है मैक्सवेल uh, की इक्वेशंस के बाद ये काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन आया लोगों को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ है और इसके बाद लोगों का दिमाग बहुत तेज चलने लग गया इस डायरेक्शन में तो सबसे पहले हर्ड्स ने हर्ड्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट जिनके नाम पर है इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव पैदा करी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करने के लिए कुछ खास इनको नहीं करना पड़ा सिंपली क्या किया यह डिवाइस लिया इस डिवाइस में यह जो लेफ्ट हैंड साइड क्वायल है वो ऑक्सीलेटर है ठीक है और एक टर्मिनल ऊपर गया है तो इसमें सिंपली क्या है साइनसोडल करेंट जा रहा है तो उस टर्मिनल में कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे कभी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे क्योंकि तो साइनसोडल है कभी करेंट ऊपर कभी करेंट नीचे तो उस टर्मिनल पर चार्जेस ऑक्सीलेट करेंगे तो जैसे सिमुलेशन में उस देखिए वो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रहा है ये बस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और करेस्पॉन्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए बाहर की तरफ प्रोपेगेट कर रही ठीक वैसे ही जैसे हमने एक रोप की बात की थी कि रोप में एक पॉइंट पर डिस्टर्बेंस दिए वो आगे चले गए थे लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसोडल बदल रहा है हर पॉइंट पर बदल रहा है तो सर्टेनली इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है तो देखिए एक्चुअल सिमुलेशन में टिक करता हूं तो असली में यहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही टाइम के साथ बदल रही है और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा होते हैं ठीक है थीके? तो इन्होंने एलसी ऑक्सीलेटर की मदद से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लेबोरेटरी में जनरेट किए थे लेकिन हाँ इसके बाद थोड़ा सा काम जगदीश चंद्र बोस इन्होंने भी किया लेकिन उनका काम भी लेबोरेटरी के अंदर ही रह गया उसको बाहर लोगों तक नहीं ला पाए कमर्शियलाइज नहीं कर पाए लेकिन जी मार्कोनी जी मार्कोनी मतलब जानते होंगे शायद रेडियो के इन्वेंटर इन्होंने वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एक जगह से पैदा करके दूसरी जगह भेज भी दिए और वहां रिसीव भी करके दिखा दिए क्योंकि सिग्नल पैदा कैसे करने पता था तो इन्होंने उसी आइडिया को लेते हुए एक बड़े लेवल पे उन्होंने सिग्नल्स जनरेट किए और किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे दूसरी जगह उन सिग्नल को रिसीव किए और ये एक्सपेरिमेंट रिवॉल्यूशन था और बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन पूरे टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड में जिसने बिल्कुल ही बदल के रख दिया और आप समझिए कि के करीबन का एक्सपेरिमेंट है और तब से सिर्फ सौ साल हुए 1900 के करीबन यह पता किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैन बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम वन इन टू एन एंड दे कैन बी रिसीव्ड और विद इन हंड्रेड कहां तक पहुंच गया कि एक बार वो मिस्ट्री अनलॉक हुई और उसके बाद बैक टू बैक एक्सपेरिमेंट होते गए और नई नई चीजें इन्वेंट होती गई आप देखिए वाईफाई 3G, 2G, 4G सब कुछ 5G सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो देखिए डेली लाइफ में आ तो ये मिस्ट्री अनलॉक हुई तो ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक और सिमुलेशन से तो इस सिमुलेशन में ये पार्ट आपको दिख रहा है ये ट्रांसमीटर एंटीना है वो पार्ट रिसीवर एंटीना है ठीक तो इस ट्रांसमीटर एंटीना में ये सिग्नल जनरेट करेंगे सिग्नल मतलब सिंपली एलसी ऑक्सीलेटर से सिग्नल जनरेट करेंगे तो इसके चार्ज ऑक्सीट करेंगे ठीक है तो यह सिमुलेशन मैं रन करता हूं सिग्नल जनरेट करता हूं तो देखिए सिग्नल बाहर की तरफ जनरेट हो रहे हैं थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं जब हम जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली चार्जेस ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है और यही सिग्नल वहां रिसीव हो रहे हैं और वहां रिसीव हो रहे हैं तो जरा देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड उनके चार्ज को ऑक्सीलेट करा रहा है ठीक उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में ये ऑक्सीलेट कर रहे थे मतलब सेम फ्रीक्वेंसी यहां से वहां लिंक हो गई ठीक है तो ये सब कुछ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज है सोर्स में भी चार्ज ऑक्सीलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वहां जाता है तो वो वहां चार्जेस को ऑक्सीलेट कराना चालू करता है वो सिग्नल हम रिसीव करते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं या यूज करते हैं जैसे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन का ठीक है तो उम्मीद है इंटरेस्टिंग लगा होगा चलो अगला डिस्कशन है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि आखिरकार ये वेव्स प्रोपेगेट करती कैसे है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपेगेट करती हैं ठीक है तो इसके लिए थोड़ा सा साइड आपको पिछले सिमुलेशन में लगा था तो मैं एक और यहां एनिमेशन दिखा रहा हूं तो इस एनिमेशन में देखिए कि रेड कलर के जो वेक्टर हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन कलर के वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब ये सिमुलेशन रन करूंगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन है एक खास बात नोट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो परपेंडिकुलर प्लेन में तो है और दोनों फेज में है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है है ठीक तो समझने की कोशिश करिए ये एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है काइंड ऑफ डबल डेरिवेटिव है ठीक है तो हम इसको आप सिमुलेशन देख चुके हैं अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ऑलमोस्ट वैसा ही सिमुलेशन लेके मतलब बोर्ड पे बना के ठीक है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है तो देखिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वहीं मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम यहां थोड़ा समझने की कोशिश हम ये करते हैं कि आखिरकार ये एक दूसरे को डेवलप कैसे कर पा रहे हैं जनरेट कैसे कर पा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि इस प्लेन में आप एक ऐसा रेक्टेंगल लीजिए प्लेन में समझा देता हूं क्या है एक्स वाई जेड ये हमारा रेक्टेंगल इन प्लेन जेड एक्स अब जरा देखिए इस प्लेन से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग थ्रू दिस प्लेन और चूंकि इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस आगे जा रहे हैं तो द फ्लक्स इज वेरिंग विद टाइम ये फ्लक्स खुद वेरी कर रहा है ठीक है तो अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए बात करूं तो ये लेंथ अगर एक्स लू ये लेंथ छोटी सी डीएक्स ले लू तो ये लेंथ एल ले लू तो इससे फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है इस पार्ट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय एक्स टी का जो भी फंक्शन है ठीक है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और एल डी एक्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो डी फाइव ई बाय डी टी अगर हम करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ई एक्स टी एल डी एक्स बाय डीटी यह आता और चूंकि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा है तो पक्का यहां मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट रहा होगा ठीक है तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इस वाले पार्ट में पक्का बी डॉट है मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ठीक है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे कि इससे हम कैसे प्रूव करेंगे क्योंकि वो सब सिलेबस में नहीं है हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले हैं बस इतना समझा रहा हूं इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा है और जरा आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती और आप ये वाला प्लेन ले लेते तो सोचिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर दिस प्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज टाइम वेरी इज टाइम डिपेंडेंट इस वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है तो ई डॉट डी एल मौजूद होगा ठीक है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ठीक तो हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और वैसे भी कंफ्यूज हो जाओगे जबरदस्ती तो दो इक्वेशन ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी एक इक्वेशन एक बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू जीरो और इन दो इक्वेशन को जब हम इसमें सब्सिट्यूट करते हैं एक ऐसा प्लेन लेके एक ऐसा प्लेन तो दो रिजल्ट मिलते हैं पहला रिजल्ट मिलता है मैग्नेटिक फील एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील एट एनी टाइम टी बाय सी और इवन किसी भी फंक्शन बी एक्स टी इज इकल टू ई एक्स टी बाय सी एक रिजल्ट ये मिलता है दूसरा रिजल्ट मिलता है सी इज इकल टू वन अपॉन म्यू जीरो दो रिजल्ट मिलते हैं और ये रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपको मिल जाता है E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन सीधे लिख सकते हैं सिर्फ एम्पलीट्यूड ही बदलना है बाकी तो कुछ चीज बदल नहीं रही है तो पूरी इक्वेशन जीव की तक हाँ एक अंतर आएगा ये अगर y है तो ये z है इस तरह का क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर पेंडिकुलर है और तीसरा रिजल्ट c इज पैरल टू e क्रॉस b, ठीक है मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं एक्चुअली मैं तीनों का ही प्रूफ नहीं दे रहा हूं सभी प्रूफ उसी से लिंक है ठीक है तो सी इज पैरल है कि देखिएगा अगर आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना था कहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकता था पीछे से भी शुरू हो सकता था तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से शुरू होगा कि उस तरफ से शुरू होगा ये किससे पता चलेगा e क्रॉस b c के पैरल तो समझते हैं इसमें कि ये हमने सही बनाया कि नहीं देखो e इधर है b मेरा पॉजिटिव इधर है जब e ऊपर था b इधर है, e से b का क्रॉस करिए इधर आ रहा है तो e से b का क्रॉस करने पर इधर आ रहा है इसका मतलब हमने जो फिगर बनाया वो सही है तो c यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू e क्रॉस बी तो और भी इस तरह डिफाइन होंगे कि ई क्रॉस बी करने पर सी की डायरेक्शन आ जाए ठीक है तो ये आया हमारा प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि किस तरीके से प्रोपिगेट करती हैं हम और प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं अभी हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टी लिखी ये दो रिजल्ट हैं दरअसल मैक्सवेल इक्वेशन के जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे अप्लाई किए गए तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में पहला तो यही लिख चुके हैं कि बी एक्स टी इज इक्वल टू फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ई एक्स टी बाय सी दूसरा C इज पैरल टू E क्रॉस B एंड C इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू जीरो एप्सलॉन नॉट इन वैक्यूम लेकिन अगर हम किसी और मीडियम की बात करें तो वन अपॉन म्यू एप्सलॉन और म्यू को लिख सकते हैं म्यू रिलेटिव म्यू नॉट एप्सलॉन को लिख सकते हैं के एप्सलॉन नॉट और इसको लिख सकते हैं म्यू रिलेटिव के अलग कर दूं और इसका म्यू जीरो एप्सलॉन अलग कर दूं इसी को लिख सकता हूं सी बाय म्यू रिलेटिव इनटू के और इसी को चाहे तो मैं लिख सकता हूं सी वन प्लस ससेप्टेबिलिटी इन टू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो लाइट किसी मीडियम में कितनी बैंड होनी है ये उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्स क्या है तो ये सेकेंड पॉइंट ये था थर्ड पॉइंट इंटेंसिटी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कितनी है ठीक है तो इंटेंसिटी के लिए हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है एनर्जी कैरीड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एनर्जी कैरीड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया तो अब एनर्जी कैरीड इसके पास कितनी है तो मैं ऊपर के ट मिटा देता हूं अब छाप लो ठीक है फिर तो एनर्जी कैरीड के लिए हमें एनर्जी डेंसिटी समझनी पड़ेगी और एनर्जी डेंसिटी कितनी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सलॉन नॉट ई स्क्वायर ई स्क्वायर ये है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो लेकिन दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है तो अगर हम ई e स्क्वायर को लिखेंगे तो ये ई आर एम एस का स्क्वायर बनेगा ये बनेगा हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर बाय म्यू जीरो और शायद ये समझ गए होंगे वन बाय फोर एप्सलॉन नॉट ई पीक स्क्वायर ये बना वन बाय फोर बी पीक स्क्वायर बाय म्यू जीरो एनर्जी लेकिन हम एक बात और जानते हैं बी इज इक्वल टू तो सी टाइम सॉरी ई टाइम ई बाय सी बी का फंक्शन ई बाय सी है तो बी की पीक वैल्यू भी ई पीक बाय सी है और अगर यहां लिख दूं तो वन बाय फोर बी पीक को ई e पीक का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर म्यू जीरो और सी की वैल्यू वन अपॉन म्यू जीरो एप्सलॉन सी स्क्वायर की वैल्यू और सी स्क्वायर की वैल्यू छापो तो ये वन बाय फोर एप्सलॉन ई पीक का स्क्वायर लिखा है मतलब ये दोनों टर्म बराबर लिखे हैं और ये काफी हद तक सही भी था बिकॉज ऑफ सिमिट्री जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए और है भी और दोनों को जोड़ा तो ये बना वन बाई टू एप्सलॉन ई पीक स्क्वायर ये हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी है और ये कांस्टेंट है अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट विथ टाइम अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो ये नहीं बदल रही तो था क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्निट्यूड बदल रहा है साइन का फंक्शन है बी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है साइन का फंक्शन है आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखते हाफ एप्सिलॉन नॉट ई पी साइन के एक्स माइनस ओमेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज का वन बाय फोर आता ना ये वन बाय वन बाई टू वन बाय फोर तो आधी एनर्जी इसके पास है आधी एनर्जी इसके पास है मिलके एनर्जी कितनी होगी? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह कि टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है तो वन बाय फोर के स्क्वायर इलेक्ट्रिकल वो कानेटिक में गई ये पोटेंशियल में गई और दोनों मिलके इतनी होगी? तो उम्मीद है ये क्लियर आया हुआ, हो, हुआ होगा कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है लेकिन हम एनर्जी डेंसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है हम एनर्जी कैरीड में इंटरेस्टेड है ठीक है ये भी छाप लो प्रूफ नहीं पूछा जाएगा स्कूल में लेकिन जेई मेन में, में पूछा जाता है इसलिए मैं समझा रहा हूं कि जेई मेन में, में एक्सप्रेशन वगैरह पूछे जाते हैं इसके तो अब हमें निकालना है इंटेंसिटी तो किसी भी बीम में हम ये माने कि ये बीम सी की स्पीड से जा रही है ये बीम सी की स्पीड से जा रही है तो अब हमें निकालना होता है इसकी इंटेंसिटी तो इसका एरिया ए है यह लाइट बीम है ठीक है तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो इन टाइम डी टी बीम मूव्स डिस्टेंस कितना सी डी टी तो बीम कवर्स वॉल्यूम कितना एरिया टाइम्स सी डी टी बीम ट्रांसफर्स एनर्जी और कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी तो डी टी टाइम में बीम कितनी मूव करेगी तो ये सी डी टी डिस्टेंस इतना वॉल्यूम मूव कर जाएगी और इतने हिस्से की एनर्जी ट्रांसफर कर देगी आगे की तरफ एसी तो डीटी और ये एनर्जी कितनी है ट्रांसफर्स एनर्जी हाफ एप्सलॉन ई पी का स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इतने हिस्से में कितनी एनर्जी स्टोर थी तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये डी टी टाइम में एनर्जी ट्रांसफर की तो पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू ये डीयू लिखा है तो डी यू बाई डी टी dt से डिवाइड करो हाफ एप्सलॉन ई पीक का होल स्क्वायर ए सी इसका मतलब इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो पावर पर यूनिट एरिया है हाफ एप्सलॉन ई पीक का होल स्क्वायर इंटू सी दिस इज इंटेंसिटी ऑफ वे और याद करिए यही इंटेंसिटी ठीक इसी तरह का फॉर्मूला हमारा आया था जब हम स्ट्रिंग वेव के लिए डिफाइन कर रहे थे स्ट्रिंग वेव का आंसर आया था हाफ म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और अगर ये पावर आई थी इंटेंसिटी आई थी रो तो देखिए सी स्पीड आई थी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया था स्पीड आई थी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया था बाकी मीडियम की प्रॉपर्टी है सी एक बहुत बड़ा अंतर यहां फ्रीक्वेंसी आया था यहां नहीं आया तो ये साउंड की तरह है जहां प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं था तो ये जो इंटेंसिटी आई इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का रोल है कि ये एनर्जी ट्रांसफर कितने पैकेट्स में होगी वहां रोल है कि वो पैकेट की साइज क्या है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ वेव कितनी है वो तो फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है हाफ एप्सलॉन ई पीक का स्क्वायर इंटू सी ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस में नहीं सिलेबस में नहीं है ये पूरा टॉपिक ही एडवांस के सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेकिन मेंस में ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है तो कोशिश करिए इसका प्रूफ समझ लें तो आपको फॉर्मूले कम रटने पड़ेंगे कॉमन सेंस ज्यादा लगेगा ठीक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनर्जी कैरीड था मोमेंटम कैरीड ईएम ऑल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटॉन्स होते हैं जिनका मास नहीं होता लेकिन मोमेंटम तो होता है एवरी फोटोन हैज मोमेंटम एच लैम्डा। और चूंकि मोमेंटम एच बाय लैम्डा है तो एनर्जी तो फोर्स ट्रांसफर भी होगा एनर्जी ट्रांसफर भी होगा तो हम इसी को समझने के लिए फिर ये लेते हैं वही हमारी बीम किसी एरिया से टकरा रही है ये एरिया ए है मतलब यही एरिया ए है ठीक सी स्पीड से टकरा रही है तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कलेक्टेड इन डीटी टाइम इज़ इक्वल टू एनर्जी कलेक्टेड इन डी टाइम बाय एच सोचो कितने फोटोन टकराए तो कितनी एनर्जी इकट्ठी हुई एक फोटोन की साइज से डिवाइड कर दो एनर्जी कलेक्टेड कितनी है तो एनर्जी कलेक्टेड के लिए एनर्जी डेंसिटी ये एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम कलेक्टेड एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सलॉन नॉट ई के स्क्वायर वॉल्यूम एरिया इनटू सी डी टी पिछला डिस्कशन ही कि डी टी टाइम में सी डी टी का हिस्सा पूरा का पूरा इससे हिट कर जाएगा तो इसमें जितने फोटोन होंगे सबके सब टकरा जाएंगे तो एनर्जी कलेक्टेड हाफ एप्सलॉन ई पी का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू सी डी टी बाय एच एफ तो अगर मैं इसमें लिखूं मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन डेटी टाइम मोमेंटम ट्रांसफर्ड तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग कितने फोटॉन हिट कर रहे हैं इनटू एक फोटॉन के पास कितना मोमेंटम है और ये कब मान रहा हूं जब ये परफेक्ट एब्जॉर्प्शन का केस होता फील करो अगर हर फोटोन टकरा के इससे चिपक जाता तो एब्सॉर्ब हो जाता तो पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर देता तो नंबर ऑफ इनटू इन टू एच वोमेंटम ट्रांसफर्ड है इन डी टी टाइम तो इसको लिखें तो फिर छापना पड़ेगा इतना बड़ा तो यहां लिख लेता हूं हाफ एप्सलॉन ई पी का होल स्क्वायर इनटू एरिया इंटू सी डी टी बाय एच एफ इंटू एच बड़ी अच्छी बात है एच से एच कटा एफ लैमडा मिलके सी बन गया ठीक है निकालना क्या है अब हमें लैमडा एफ की वैल्यू सी ये कट गया हाफ एफ लॉन्ग ई का होल स्क्वायर एफ सी और सी कट गया एरिया डी टी तो ये आया मोमेंटम ट्रांसफर अब अगर फोर्स ट्रांसफर की बात करते तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बा है तो मोमेंटम का डी टी कट जाता हाफ एप्सलॉन ई पीक का होल स्क्वायर इंटू ए आता इसका मतलब प्रेशर ट्रांसफर अगर पूछा होता तो दिस विल बी फोर्स बाय एरिया हाफ एप्सलॉन ई पीक का होल स्क्वायर मतलब जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी वही रेडिएशन प्रेशर है। तो रेडिएशन प्रेशर कुछ और नहीं एवरेज एनर्जी डेंसिटी है और चाहें तो हम इसी को लिख सकते हैं आई बाई सी क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सी ऊपर आया था तो आई बाई सी करोगे तो रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा परफेक्टली एब्सॉर्बिंग बॉडी के लिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए यह रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी नहीं आएगा कितना आएगा टू आई सी क्योंकि टकरा के वापस आया तो मोमेंटम ट्रांसफर टू एच बायडा होगा फिर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए तो ये जो रेडिएशन की वजह से प्रेशर लग रहा है मतलब जो फोटोन हम पे गिर रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो आई बाई सी है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए ठीक है तो वंस अगेन एडवांस में नहीं पूछा जाता लेकिन मेंस में ये आ जाता है कभी कभी तो कंक्लूजन जो आया हमारा कि मोमेंटम कैरीड की जगह हमने रेडिएशन प्रेशर निकाला और ये आया आई बाई सी परफेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए और टू आई बाई सी परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए प्रूफ प्रॉपर जमा के अपनी कॉपी में लिख लेना क्योंकि इसमें प्रूफ ही है जो आपको समझना है स्कूल में नहीं पूछा जाएगा तो स्कूल के हिसाब से कोई मतलब नहीं है ठीक है स्कूल में क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी कुछ देर बाद बता दूंगा ठीक है तो ये सभी आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करो खुद से ये डेरीवेशन कर पाओ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा तो ये मोमेंटम कैरीड और रेडिएशन प्रेशर अब देखिए क्या होता है डेली लाइफ में रेडिएशन प्रेशर इतना कम होता है कि एक मीटर स्क्वायर की सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन गिर रही हैं उनका टोटल जो फोर्स इतना होगा जो हाउस फ्लाई के वेट के बराबर काफ़ी कम है लेकिन ये रेडिएशन प्रेशर आप जरा देखिए ये प्रेशर कितना आया हमारा रेडिएशन प्रेशर आई बैसी परफेक्ट एब्जॉर्ब्शन और रिफ्लेक्शन के लिए टू आई बैसी. ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और इंटेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो ये सन से अर्थ तक जब हम आए हैं अर्थ पे ये प्रेशर काफी कम है लेकिन अगर हम ये बात करते तो ये सोलर प्रेशर अच्छा खासा होता इवन ये सोलर का रेडिएशन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ग्रेविटी को भी ओवरकम कर जाता है ग्रेविटी को भी ओवरकम कर जाता है इतना प्रेशर होता है कि मतलब इसके आसपास अगर चीजें आ रही हैं और उनका सरफेस एरिया ठीक ठाक है फ्लैट चीजें तो वो इस तक पहुंचेंगी नहीं पहले ही रिपेल होकर भाग जाएंगी इतना ज्यादा रेडिएशन प्रेशर है सन के आसपास तो ये रेडिएशन प्रेशर डेली लाइफ में निग्लेक्ट कर सकते हैं हमेशा नहीं और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि नाइनटीन में एक थ्योरी दी गई थी कि हम क्यों ना सोलर सेल्स जैसा आपकी सेल बोट होती है वैसे ही सोलर सेल्स की सन की मदद से सन की जो रेडिएशन है उनकी उनके प्रेशर की मदद से हम चीजों को मूव करा दें मतलब क्यों अपना फ्यूल डालें और फ्यूल की जगह हम ऐसा क्यों नहीं कर देते और वाकई में ऐसा हुआ है 2019 में आ, स्पेस एक्स ने एक ये भेजा है कॉन्सेप्ट यही बिल्कुल क्राउड फंडिंग से भेजा है हालांकि तो उसमें कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है ये हमारी अर्थ है और अर्थ पर रॉकेट के साथ चीजें प्रोजेक्ट की उनके साथ एक ऑर्बिटर ऐसा प्रोजेक्ट किया जो साइज उसकी बहुत बड़ी नहीं लेकिन उस पर ऐसा है इतनी बड़ी कोई शीट साथ में लगा दी गई और इस शीट पे इस शीट पे सन का प्रेशर लगता है तो ये शीट ऐसे मूव करेगी थ्योरी तो यही है कि शीट ऐसे मूव करते करते ये ऐसे जाएगी कि हर रिवॉल्यूशन पे एक किलोमीटर ऊपर उठ जाएगी अगले रिवॉल्यूशन पे एक किलोमीटर ठीक है तो ये कुछ इस तरह मूव करेगी ये मैं यहां देख लो ये सिमुलेशन में दिख रहा है कि ऐसे मूव करेगी कि देखिए ये सोलर रेडिएशन इस पर पड़ेंगी ज्यों ही वो देखिए टॉप पे गई सोलर रेडिएशन लगी फिर उसकी स्पीड बढ़ गई फिर गई फिर स्पीड बढ़ गई फिर गई फिर स्पीड बढ़ गई ठीक है तो जो रेडिएशन प्रेशर है हम डेली लाइफ में निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे नेबरहुड में कोई इतना स्ट्रांग सोर्स ऑफ रेडिएशन नहीं है लेकिन हम हमेशा नहीं निग्लेक्ट कर सकते तो फिलहाल ये फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हो लेकिन प्रूफ आपको पता होना चाहिए चलो तो कुछ न्यूमेरिकल करते चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं अ लाइट वेव इज ट्रेवलिंग इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब फोर्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेट पर यूनिट एरिया ठीक है तो हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को डिकोड करेंगे तो यहां से हमें पता चल रहा है कि बीच में प्लस साइन है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन वाई है मतलब जे कैप तो पहले का आंसर माइनस जे क्या यह हम वेव्स में स्टडी कर चुके हैं दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइम पे चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड है ई बाय सी तो ट्वेंटी बाई थ्री इंटू टेन पाई इंटू साइन यहां तो कोई अंतर आना नहीं है टू पाई इंटू टेन पे सिक्स टी प्लस वाई बाय सी लेकिन अंतर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरह होगा तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा देखिएगा ये एक्स माने ये वाई माने ये जेड माने डायरेक्शन देखिए कैसे देखते हैं तो सी ऊपर है नहीं सी नीचे है सॉरी। सी माइनस वाई कैप में है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्लस जेड है कि माइनस जेड है तो ई क्रॉस बी करने पे सी आना चाहिए तो ई क्रॉस बी करने पे सी आ रहा है तो इससे पता चला कि बी हमारा यहां है दो ही पॉसिबिलिटी थी या तो बी जेड में है या माइनस जेड में है अगर माइनस जेड में होता तो ऊपर आता प्लस जेड में है तो नीचे इसका मतलब प्लस जेड में तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है देखिए समझ में आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है डायरेक्शन y में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा लेकिन प्लस जेड और माइनस जेड दोनों हो सकते थे ये ऐसे बता किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन मिल गया ऑब्वियसली टेस्ला में है। ऐसा यूनिट चल रहा है हर जगह थर्ड पॉइंट इज इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हाफ एप्सलॉन ई पी स्क्वायर इंटू सी एप्सलॉन 8.85 पॉइंट इंटू टेन पे माइनस ट्वेल्व इलेक्ट्रिक फील्ड 20 का होल स्क्वायर इंटू थ्री इंटू टेन पे एट ठीक है दो से दो कटा ये बना 6 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू सिक्स इंटू टेन टेन पे माइनस टू वॉट पर मीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब बिल्कुल आसान इसके लिए एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब अपॉन एच एफ यही तो आंसर है. एक मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है एक फोटोन के पास कितनी है डिवाइड कर दो तो एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब कुछ और नहीं है एनर्जी डेंसिटी ही लिखी इनटू वन एनर्जी डेंसिटी इंटू वन बाय एच एफ वैल्यूज एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पे माइनस ट्वेल्व इंटू थर्टी का ट्वेंटी का होली स्क्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पे माइनस थर्टी फोर इंटू फ्रीक्वेंसी टू पाई एफ ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ तो फ्रीक्वेंसी है टेन पे सिक्स ये आंसर आ गया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब का आंसर ये है लास्ट पूछा है फोर्स ऑन प्लेट पर यूनिट एरिया अगर प्लेट परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है मतलब फोटॉन्स आए वापस चले गए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो जो प्रेशर आएगा वो आएगा टू आई बाय सी तो फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया लेकिन पर यूनिट एरिया ही पूछा है तो टू आई बाय इंटेंसिटी हमने निकाली थी एट पॉइंट टू टेन पे माइनस टू अगर मुझे सही याद है सी थ्री इन टू टेन पे एट तो देखिए काफी कम आंसर है टेन पे माइनस टेन न्यूटन के ऑर्डर का आंसर है. तो फोर्स काफी कम आता है चलो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हो गया चारों चले चार क्वेश्चन है चारों करिए पहले में रेड एल है जो पॉइंट वन वॉट की लाइट इमिट कर रही है यूनिफॉर्मली एम्पलीट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस वन मीटर फ्रॉम इट सेकेंड रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी पॉइंट फाइव वॉट पर मीटर स्क्वायर आर स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट फाइंड प्रेसर एक्सटेड क्वेश्चन थ्री अ वेव ऑफ वेवलेंथ लेडा फ्रीक्वेंसी एफ पासिस थ्रू वैक्यूम इंटू अ नॉन मैग्नेटिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एक्चुअली ये यूनिट नहीं लिखी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और नहीं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ही नाम है के लेमडा एंड एफ फोर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ये परमिएबिलिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रह, है यू हैव टू फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन फिफ्थ में मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है ये एक्स के अलॉन्ग है वे वैसे जा रही है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ई ठीक ट्राई करो चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड निकालना है तो इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया एरिया कितना है फोर पाई आर स्क्वायर और इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी तो रेडियस की वैल्यू वन पावर की वैल्यू पॉइंट फोर पॉइंट वन एप्सलॉन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सी थ्री इंटू टेन पे एट और एप्सलॉन की वैल्यू कितनी बनेगी ये पूछा है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पे माइनस ट्वेल्व कर लो आंसर क्वेश्चन टू रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी स्ट्राइकिंग ऑन मेटल प्लेट तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी टू आई सी मेटल शाइनिंग होता है रिफ्लेक्ट करता है अच्छा खासा इसीलिए हमने सीधे टू आई बाई सी ले लिया तो टू आई पॉइंट फाइव सी थ्री इंटू टेन बाई एट न्यूटन परमीटर स्क्वायर क्वेश्चन टू का क्वेश्चन थ्री में अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू रिलेटिव और के का प्रोडक्ट क्यों सी है म्यू जीरो म्यूजीरोप्सनॉ तो अगर हम सी बाई म्यू की बात करें किसी और मीडियम में तो म्यू जीरो की जगह म्यू रिलेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सलॉन नॉट में K multiply हो जाएगा. तो यहां ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला I, ये आएगा के रिलेटिव परमिटिविटी ही K है तो K की वैल्यू फोर लिखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है और क्वेश्चन में देखिए नॉन मैग्नेटिक दे रखा है मतलब susceptibility 0. ससेप्टेबिलिटी जीरो मतलब आधी हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी पे तो कोई चेंज आता ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू में सेम स्पीड आधी हो गई होगी तो ये क्वेश्चन थ्री का आंसर कॉन्सेप्ट क्या था नॉन मैग्नेटिक मीन ससेप्टेबिलिटी जीरो वन नेक्स्ट आया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड परमीएबिलिटी फिर सेम क्वेश्चन वही है शायद तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आया वन प्लस ससेप्टेबिलिटी टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन पॉइंट फाइव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब के पूछा है और ये जो दे रखा है ये म्यू की वैल्यू दे रखी है अब म्यू नॉट होता है फोर पाई इंटू टेन पे माइनस सेवन और नॉट इंटू म्यू रिलेटिव इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में फाइव इंटू टेन पे माइनस सेवन तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन फोर पाई तो यही म्यू रिलेटिव है फाइव अपॉन फोर पाई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछा गया है तो के की वैल्यू फोर पाई इधर ले जाओ वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन पाई स्क्वायर बाय फाइव फोर्टी एट एप्रोक्स ठीक है तो ये हमने सिंपली क्या किया यहां आपको टर्म समझने जरूरी है ये कि टर्म्स क्या है परमीएबिलिटी परमीएबिलिटी मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डिफरेंट चीज है रिलेटिव परमीएबिलिटी ये म्यू रिलेटिव है और एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ये म्यू जीरो है और म्यू जीरो इंटू म्यू रिलेटिव इक्वल टू म्यू और म्यू रिलेटिव को ही अपॉन प्लस असेप्टेबिलिटी कहते हैं जब भी रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो ये डायमेंशन लेस है एब्सोल्यूट मतलब म्यू जीरो जो फोर पाई इंटू टेन पर माइनस सेवन है म्यू क्या है कुछ और वैसे ही एब्सलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ़ फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सलॉन एप्सलॉन नॉट इन टू के है एंड दिस टर्म इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज सिंपली परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो ये टर्म्स थे और लास्ट क्वेश्चन इसमें है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्निट्यूड तो सीधे सी का मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री इंटू टेन पे सिक्स सी का मल्टीप्लाई कर दिए बाकी टर्म तो जो तो रहते हैं वोल्ट पर मीटर बस ये एक्स में है ये जेड है तो ये वाई लेकिन एक प्लस माइनस आ सकता है वो और सोचना है और प्लस माइनस हम कैसे सोचेंगे इसमें कि प्लस आएगा या माइनस तो सी की डायरेक्शन है तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सी की डायरेक्शन हमने ली कहां है प्लस सी ए है मैग्नेटिक फील्ड है प्लस आई कैप मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी अब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो दाएं हैं या बाएं हैं तो ई क्रॉस बी करने पे सी आना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा होगा तभी ई क्रॉस बी करने पे सी आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है माइनस वाई में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होगा एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा ठीक है या माइनस या यहां पाई बढ़ा दो फाइव प्लस पाई कर दो या माइनस लगा दो एक ही बात हाँ एक प्रॉपर्टी छोटी सी मिस हो गई थी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वे लाइट वे दरअसल हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या चेंज होगी तो यहां से अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो फाइनली एक डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट हो जाएगा एक डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो एक सिग्नल इन दो सिग्नल में टूट जाएगा तो ये हमारी इंसिडेंट वेव है रिफ्लेक्टेड है ये रिफ्लेक्टेड है ये तो इंसिडेंट वेव का अगर एम्पलीट्यूड ई नॉट होता इसका एम्पलीट्यूड ई आर होता इसका एम्पलीट्यूड ई ट्रांसमिटेड होता यहां स्पीड सी वन यहां स्पीड सी टू तो हम सीधे लिख सकते हैं ई ट्रांसमिटेड 2 सी टू बाय सी वन प्लस सी टू ई नॉट ई रिफ्लेक्टेड सी वन सी टू माइनस सी वन C1 वन प्लस सी टू ई नॉट और अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्लेस करते तो ये टू म्यू वन बाय म्यू वन प्लस म्यू टू ई नॉट और ये म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू वन प्लस म्यू टू ई नॉट सोचो कॉमन सेंस लिखा क्योंकि C1 वन अपॉन व्यू पर डिपेंड करेगा तो C1 लिखते तो C बाय म्यू वन सी लिखते C बाय म्यू टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये आएगा ये ठीक वही रिजल्ट है जो वेव के रिजल्ट थे याद कैसे रखिए C1 और C2 बराबर हुए तो रिफ्लेक्टेड हो ही नहीं सकता पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा तो सीवन C2 टू बराबर करने अगर आप जीरो कर दो तो ट्रांसमिट नहीं हो सकता पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और C2 अगर ज्यादा बड़ा हुआ C2 अगर बड़ा हुआ तो ये रेयर मीडियम है इसमें पाई का चेंज नहीं आएगा तो C2 बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव आया पाई का चेंज नहीं आया लेकिन अगर C2 छोटा हो गया तो ये डेंस है और डेंस में पाई का चेंज आ जाएगा तो C2 छोटा हुआ तो ये टर्म नेगेटिव आएगा पाई का चेंज आएगा ठीक हां इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट हाफ एफन ई स्क्वायर सी वन इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड की हाफ एप्सलॉन ई आर स्क्वायर सी टू लेकिन ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी हाफ एप्सलॉन ई टी स्क्वायर सॉरी ये ये था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों ही सीवन मीडियम में तो ये सीवन मीडियम में तो यहां मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी का रेशो ही एम्प्लीट्यूड के स्क्वायर का रेशो है ई नॉट ही इंसिडेंट था लेकिन यहां पे आप नहीं कर पा रहे हो कि इन दोनों का रेशो अगर आप आई रिफ्लेक्टेड बाय आई ट्रांसमिटेड लिखो तो ये e reflected का स्क्वायर e का स्क्वायर अकेला नहीं है साथ में एक सीवन और सी टू और ठीक है तो कितना परसेंटेज लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है म्यू क्या है ठीक है तो ये साउंड के लिए भी है स्ट्रिंग वेव के लिए है सभी के लिए ट्रू है तो ये ध्यान रखिएगा कि एम्पलीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है फ्रीक्वेंसी का तो रोल ही नहीं आया क्वेश्चन सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई चीज़ एयर से वाटर में आ रही है एक लाइट आई तो इसका कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हुआ कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हुआ तो ये अगर इंटेंसिटी इसकी आई नॉट है तो यहां एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट था तो वाटर का कितना है 4 फोर बाय थ्री म्यू म्यू फोर बाय थ्री है तो ई e ट्रांसमिटेड ठीक है तो या तो आप सी वाला फॉर्मूला या म्यू वाला फॉर्मूला लें, तो म्यू वन की वैल्यू वन है म्यू टू की वैल्यू फोर बाय थ्री तो ई ट्रांसमिटेड टू इंटू वन अपॉन वन प्लस फोर बाय थ्री सिक्स बाय सेवन रिफ्लेक्टेड ई रिफ्लेक्टेड और ई e रिफ्लेक्टेड के लिए म्यू वन माइनस म्यू टू वन माइनस वन माइनस म्यू टू कितना है फोर बाय थ्री वन प्लस फोर बाय थ्री ई नॉट माइनस ई नॉट बाय सेवन तो ये माइनस ई नॉट बाय सेवन आया सिक्स ई नॉट बाय सेवन आया तो ये नॉट बाय सेवन रिफ्लेक्ट हुआ सिक्स ए नॉट बाय सेवन नेगेटिव का कुछ खास सेंस नहीं सिर्फ पाई का चेंज है ये बता रहा है और अब अगर मैं इंटेंसिटी देखूं तो इसके करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट बाई फोर्टी और इसके करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी इंटेंसिटी अगर आप सीधे इसका स्क्वायर कर देते तो थर्टी सिक्स बाय फोर्टी नाइन बनता जो कि पक्का गड़बड़ हो जाता क्योंकि ये तो संभव नहीं आया क्योंकि सिर्फ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर नहीं स्पीड का रेशो और है तो एक फोर बाय थ्री और आएगा और फोर बाय थ्री जब आप करोगे तो ये फोर्टी एट बाय फोर्टी नाइन बन जाएगा और अब बात बिल्कुल सही दिख रही है कि फोर्टी एट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए एम्पलीट्यूड वन बाय सेवन तो इंटेंसिटी सीधे वन बाय फोर्टी नाइन बिल्कुल सही है इस हिस्से में क्योंकि दोनों जगह स्पीड सी है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की स्पीड सी है दैट्स वाई ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप इन दोनों में सीधे एम्पलीट्यूड सिक्स बाय सेवन हो गया और आप थर्टी सिक्स बाय फोर्टी नाइन लिख देते तो गड़बड़ हो जाता क्योंकि सम कंजर्व नहीं है क्यों क्योंकि यहां स्पीड सी वन है यहां स्पीड सी टू है और इंटेंसिटी सी का भी फंक्शन थी तो एक और आने वाला था सी टू बाई सी वन जब फोर बाय थ्री का मल्टीप्लाई किया तब जाके आंसर हमारा बिल्कुल सही आया ठीक तो बस इसमें यही एक चीज ध्यान देने वाली थी लास्ट कॉन्सेप्ट और ये पार्ट है जो स्कूल में पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है नोट सभी के बनाइए वैसे लेकिन बहुत डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं इसके बिल्कुल प्रॉपर बनाने क्योंकि अभी तक चल रहा था वो तो सिर्फ आपको या तो स्कूल में आएगा न्यूमेरिकल आएगा सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ये क्वेश्चन आता है जनरली या इक्वेशन दी है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछिए वो तो आप वैसे ही निकाल लोगे तो मेन बचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो स्कूल के हिसाब से है और स्पेक्ट्रम में क्या क्या है हमारे पास तो विजिबल तो सबको पता है विजिबल इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट यहां तक सबको पता है और यहां देखें तो वेवलेंथ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रही है अब इंफ्रारेड के बाद उस तरफ अल्ट्रावायलेट के बाद इस तरफ हमें ये लिखनी है <coughs> तो आ, इसके लिए और कौन कौन सी वेव्स हैं हमारे पास रेडियो वेव्स हैं एक्स रेज हैं गामा रेज हैं ठीक है तो हमारे पास गामा रेज हैं सॉरी एक्स रेज गामा रेज और इन्फ्रा रेड के बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स ये हमारा रफली स्पेक्ट्रम है ठीक अब हां इनमें क्या है कि आपको हर वेव की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि, कि किसकी रफली रेंज क्या है प्रोडक्शन क्या है यूजेस क्या है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा उनके ठीक है विजिबल तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं वैसे चलो तो पहला आया जैसे हम इंफ्रा या रेडियो से उस तरफ से चालू कर लेते हैं रेडियो वेव्स ठीक है तो हम पॉइंट इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज इनमें से एक कुछ लिखो दूसरा तो सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल ही लोगे तो रेडियो वेव्स मतलब जो कम्युनिकेशन में जो यूज होती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है किलोहर्ट्स टू गीगाहर्ट्स ये किलोहर्ट्स से लेके गीगा तक होती हैं किलोहर्ट्स क्या है हमारी ए एम आकाशवाणी गीगा हमारा क्या है सेल्युलर सेल्युलर वाईफाई जैसे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्स गीगा ये वाईफाई के सिग्नल है ठीक है फ्रीक्वेंसी रेंज आप इससे निकाल सकते हैं थ्री इंटू टेन टू पावर एट वगैरह तो मिलीमीटर टू सेवरल किलोमीटर जरा सोचिए आप अगर हजार किलो हर्ट्ज लेते हैं मतलब एक मेगा हर्ट्ज लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती तो थ्री इंटू सी लैमडा एफ इक्वल टू सी तो लैमडा की वैल्यू सी बाय फ्रीक्वेंसी थ्री इंटू टेन पे एट बाय टेन पे सिक्स यही तीन सौ मीटर आई और अब आप सोचिए अगर एक किलो हड्स होती एक किलो हर्ड्स तो कितना आता किलोमीटर में आ जाता तीन सौ लेकिन गीगा हर्ड्स आप लेते ठीक है तो गीगा हर्ड्स टेन पे नाइन है और टेन पे नाइन जब आप लेते तो टेन पे नाइन यहां सॉल्व करते तो पॉइंट वन मीटर ऑर्डर की आती तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका मिलीमीटर से फ्यू मिलीमीटर से या सेंटीमीटर कर सकते हैं। ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि कहां से कहां बस रफ ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए ठीक तो जो सेल्यूलर होता है जैसे ये अब इसके बाद का जो मैं बता रहा हूं वो बस छापना नहीं है सिर्फ छापना ये दो लाइन थी ये बस मैं समझा क्या रहा हूं कि जैसे आपने सेल्यूलर में टीवी एफएम एफएम अगर आपके घर पे हो तो आप देखिएगा 88 मेगा से 108 सौ मेगा तक होता है टीवी के सिग्नल हमारे 100 मेगा से 800 सौ या 900 सौ तक होते हैं सेल्यूलर 800 मेगाहर्ट्ज से चालू होता है तो जो 1G था फर्स्ट जनरेशन 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास था सेकेंड जनरेशन फ्रीक्वेंसी विथ और बढ़ा दी ठीक है कुछ 1500 सौ के आसपास कर दी मेगा के आसपास कर दी 3G 1800 मेगाहर्ट्ज के आसपास 4G ये 2100 मेगाहर्ट्ज के आसपास है 5G 3500 मेगाहर्ट्ज के आसपास है दरअसल ये फ्रीक्वेंसी का बैंडविथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि डेटा ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ रहा है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अलग अलग स्पेक्ट्रम में इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं तो एफ एम टी सेल्यूलर इनकी ये रेंज है ठीक है वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई uh, आपने देखा होगा वायरलेस जो माउस या वायरलेस कीबोर्ड होते हैं उनमें एक जो डोंगल लगता है वो वाईफाई डोंगल ही है वो 2.4 पॉइंट का होता है ठीक है वाईफाई फाई पॉइंट एट वन टू मेगा हर्ट्स का भी होता है तो वाईफाई ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने वाईफाई की कई रेंज हो सकती है तो ये रेडियो है ये आपके बस कॉमन सेंस बनाने के लिए इसको जनरल नॉलेज के लिए है स्कूल में नहीं पूछा जाएगा मेन चीजें ये ठीक है रेंज आपको याद होनी चाहिए अब इसका प्रोडक्शन किससे होता है तो प्रोडक्शन तो सिंपली एलसीऑक्सी से जो ही जो हर्ड्स ने एक्सपेरिमेंट किया था यूजेस क्या है बहुत ही आसान कम्युनिकेशन मेनली कम्युनिकेशन ही इनका पर्पज़ है रेडियो वेव्स का चलो ये पहला हुआ तो ये प्रॉपर छाप लो तो ये चार चीज़ें आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक ही चीज़ है एक होगा दूसरा निकाल लोगे प्रोडक्शन याद रखना है उसके एप्लीकेशन क्या है क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनडायरेक्ट आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया कि दो सौ की एक वेव है बताओ उसको कहाँ यूज़ करते हैं तो चूंकि ये इस पर इसमें आई कर रहा है तो कम्युनिकेशन में यूज करेंगे ठीक है चलो सेकेंड पॉइंट तो रेडियो वेव हुआ अब रेडियो के बाद आए हम माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और यहां से याद दिला दू रेडियो माइक्रो हम ऐसे चलेंगे इसके बाद किस पे आए थे हम इंफ्रा रेड विजिबल अल्ट्रावायलेट गामा रेस तो और वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही थी फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही थी तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी पांच गीगा हर्ट्ज़ के आसपास होती है तो लगभग इसका कुछ रेंज मान सकते हैं जैसे चार से छः कुछ ये एनसीआरटी में देख लेना एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी ठीक है ये एनसीआरटी से छापना ये मुझे कैसे याद है रफ ये आइडिया बता रहा हूं कि इसकी फ्रिक्वेंसी करस्पोंडिंग वेवलेंथ तो वेवलेंथ माइक्रोवेव की माइक्रोवेव की कुछ आप समझिए कि पांच गीगा के करस्पॉन्डिंग हम निकालें जो भी आप लिखोगे पांच गीगा हट जिसके अंदर आना चाहिए पांच गीगा हट्स के करस्पॉन्डिंग तो फाइव इंटू टेन पे नाइन ठीक है तो लैमडा एफ इक्वल टू सी थ्री इंटू टेन पे एट तो थ्री बाय फाइव इंटू टेन पे माइनस वन तो देखिये मिलीमीटर के ऑर्डर की आ रही है ऑफ ऑर्डर मिलीमीटर तो इसका लेमडा का ऑर्डर ये है ठीक है यूजेस ये काफी इंटरेस्टिंग है एक तो माइक्रोवेव ओवन दरअसल इसमें कॉन्सेप्ट है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अराउंड फाइव गीगा दैट्स वाई अगर हम माइक्रोवेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम और ये सेलेक्टिव ट्रांसफर होगा सिर्फ एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को मिलेगी तो काफी जल्दी हीट अप होंगी चीजें और बाकी चीजें हीट अप नहीं होंगी सिर्फ वही चीज हीट होगी जिसके अंदर वाटर का कॉन्टेंट है ठीक है इसीलिए इसके जो यूटेंसिल आते हैं वो यूटेंसिल ऐसे होते हैं उनके अंदर पानी का कोई कॉन्टेंट नहीं होता ठीक है और वो गर्म नहीं होते क्योंकि तो पानी नहीं है उनके अंदर लेकिन आप जब सब्जियां वब्जियां जो भी रखोगे तो उनके अंदर वाटर का कॉन्टेंट है और वो वाटर गर्म हो जाएगा ठीक है तो कॉन्सेप्ट ये है दूसरा इसका यूज है रडार एज अ रडार यूज होता है रडार फॉर रिमोट सेंसिंग और वजह क्या है ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ इट मूव्स इन ऑलमोस्ट स्ट्रीट लाइन ठीक तो वेवलेंथ छोटी होने की वजह से ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इसीलिए हम रडार यूज करते हैं लेकिन आप देखिए कि सभी चीजें स्ट्रेट लाइन में यूज नहीं करती वाईफाई सिग्नल ये थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं हाँ इंफ्रा कुछ हद तक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है इंफ्रा रेड स्ट्रेट लाइन में होता है क्योंकि आपको रिमोट को टीवी के सामने टारगेट करना पड़ता है लेकिन वाईफाई के लिए आपको वाईफाई डिवाइस के सामने टारगेट नहीं करना पड़ता तो रियलिटी है वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतना फैलेंगी चीजें वेवलेंथ छोटी होगी स्ट्रेट लाइन में जाने की टेंडेंसी होगी इससे विजिबल लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जाती तो माइक्रोवेव ये इसका प्रोडक्शन और लिखना है ये रटना है नाम क्लिस्ट्रॉन वॉल्व ठीक है ये हाई एनर्जी कैथोड बीम्स की मदद से ये प्रोड्यूस करते हैं इस डिवाइस का नाम है क्लिस्ट्रॉन वॉन अब ये क्या है कैसे आपको ज्यादा पढ़ना है तो गूगल करें अदरवाइज नाम रट लो बहुत है चलो ये माइक्रोवेव हुआ नेक्स्ट इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड में पहले तो वेवलेंथ की रेंज तो वेवलेंथ की रेंज आई हमारी अठहत्तर सौ से कुछ चालीस पचास हजार एंक्ट्रॉन ठीक है तो ये वेवलेंथ की इसकी रेंज है अठहत्तर सौ तो याद रहेगा और ये काफी आगे तक जाता है फ्रीक्वेंसी रेंज का रेस्पॉन्डिंग आप लिख लोगे प्रोडक्शन कॉमन सेंस या तो सन हीट और नेक्स्ट इसके यूजेस यूजेस बहुत ही आसान से इंफ्रा रिमोट आईआर नाइट विजन कैमरा तो रिमोट कंट्रोल में नाइट विजन कैमरे में थर्मल इमेजिंग तो ये इसके यूजेस हो गए इंफ्रा के फोर्थ विजिबल तो मतलब नहीं है विजिबल का प्रोडक्शन है सन यूज है देखने के लिए ठीक है तो विजिबल के आगे हम आए वायलेट तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी रेंज तो लैमडा की वैल्यू कहां से कहां तक आई 400 नैनोमीटर से ये फ्यू नैनोमीटर होगा वंस अगेन एनसीआर में देखिएगा फ्यू नैनोमीटर टू 400 सौ नैनोमीटर चार हजार ये लैम्डा की रेंज है ठीक है अब लैमडा की रेंज के बाद हमें क्या लिखना है इसका प्रोडक्शन तो ये तो सन से ही मिल जाती है फ्री में यूजेस इसके यूज काफी इंटरेस्टिंग है अल्ट्रावायलेट के आ, एक तो अल्ट्रावायलेट का यूज है आ, करेंसी चेकिंग दूसरा ग्लू में यूज करते हैं एक हो सकता है आपने देखी या नहीं एक काइंड ऑफ ग्लू आती है कि आप चीजों को चिपकाओ और उस पर एक लैंप से हिट कर दो तो उस पर लैंप से लाइट डालते हैं और वो तुरंत चिपक जाता है तो वही अल्ट्रावायलेट लैंप होता है तो इसको ग्लू करने के लिए मतलब उसको सुखाने के लिए यूज करते हैं एक्चुअली ग्लू तो कोई दूसरी है हां तीसरा इंसेक्ट किलर तो ये अल्ट्रावायलेट का ये भी यूज है और अल्ट्रावायलेट का यूज कहां हो सकता है यही बात है दो लिखने होते हैं पर तीन लिख दी वाटर प्यूरीफायर यही यही हो गया प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर अच्छा नेक्स्ट आया हमारा एक्सरे वेवलेंथ की रेंज पॉइंट वन एंक्स्ट्रॉन टू दस एंक्स्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल लोगे तो ये वेवलेंथ की रेंज आ गई हमारी एक्स uh, एक्सरेज के तो काफ़ी सारे हैं uh, पहला यूज हमारा डायग्नोसिस बाय एक्सरे फोटोग्राफी पहला यूज़ दूसरा एप्लीकेशन एक्सरे का टू फाइंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक्सरे की मदद से जो वाइड पता करते हैं कि मेटल के अंदर वाइड है उन डिफेक्ट्स में मतलब ब्रेग्स लॉ नहीं पढ़ा हो तो हम वेव्स में देखेंगे इसको थर्ड वन इज टू डिटेक्ट मेटल मेटल का डिटेक्ट करना है और ये आपने एक्सरे में ही ये हर उसका एक हर मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है एक्सरे तो एक्सरे की मदद से हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं और चौथा टू किल कैंसरस सेल्स प्रोडक्शन स्टूब पढ़ चुके हैं लास्ट वन इज गामा रेस गामा रेस की वेवलेंथ पॉइंट वन एंस्ट्रॉन से भी छोटी है मतलब एनर्जी और ज्यादा रेंज आप देख लेना यूजेस आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन आपको कैरी करानी है तो उसके लिए अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी गामा रेज ही दे सकता है क्योंकि गामा रेज हाई एनर्जी बीम्स है तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन दूसरा यूज टू किल कैंसरस सेल्स क्योंकि हाई एनर्जी बीम्स से, है कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और तीसरा यूज हल्क बनाने में लिख मत देना चलो प्रोडक्शन प्रोडक्शन बिल्कुल आसान न्यूक्लियर डिके इसका प्रोडक्शन का रफ्ली एक ही तरीका है न्यूक्लियर डिके क्योंकि ये इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम एटॉमिक ट्रांजिशन से ये एनर्जी पैदा नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा है तो ये जनरली जब न्यूक्लियर डिके होते हैं तो उसमें अपने आप ही गामा रेस बाहर निकलती है ठीक है जैसे अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियर डिकेई तो है तो इसका मेन प्रोडक्शन करने का तरीका है न्यूक्लियर डिके तो जितने हमने लिखे उसको आप सिंपली एक बड़ी सी टेबल में सबको छाप लीजिएगा प्रॉपर बना के एक के बाद एक एन में लास्ट में एक टेबल दी है ठीक है उसको छाप लीजिएगा उसमें एक डिटेक्शन टर्म एक्स्ट्रा दिया है वो डिटेक्शन नहीं आएगा चिल्मा उसमें तो डिटेक्ट कैसे करते हैं ये नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक था एन के हिसाब से लास्ट के पंद्रह मिनट थे बाकी पूरा जेई मेन्स के हिसाब से था क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं तो आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको अच्छे से कर लेना और हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है इसका ठीक है चलो तो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में